गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ, यहाँ पर आपको राकेश यादव व आर एस अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देना, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर दे दिया जाएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 को आ चुकी है बहुत ही बड़ी खबर। फाइनल ईयर को छोड़कर सभी छात्रों को किया जाएगा प्रमोट, सरकार ने लिया ये फैसला। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कोने में देख रहे होंगे जहाँ पे कि यह दैनिक भास्कर की ऑफिशियल कटिंग है, यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि फाइनल ईयर को छोड़कर सभी यूनिवर्सिटी बाकी सब छात्रों को किया जाएगा पास। तो चलिए क्या है पूरी की पूरी खबर, उसके ऊपर मैं आपको एक बार ले चलता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आगे ऐसी इंटरेस्टेड अपडेट आपको मिलती रहे। फाइनल ईयर को छोड़ यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र किए जाएंगे पास। उद्धव सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के चलते फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। फाइनल ईयर के एग्जाम जुलाई में होंगे। वही अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी शुरू कर दी गई है। वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 15,000 भारतीयों को विशेष विमानों से लाया जा रहा है। मुंबई के भी 1900 यात्री लौटेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो इसके बारे में, पहले मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो उद्धव सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब आपकी परीक्षा नहीं होगी। जो फाइनल ईयर का है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हो, यूजी पीजी से हो, तो आपकी फाइनल ईयर वालों की परीक्षा होगी वो भी 1 जुलाई के बाद करवा दी जाएगी। तो एक तरह से डेट भी कन्फर्म के रूप में मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा जुलाई में होगी। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप किस यूनिवर्सिटी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो मैं अब आपको बात की अपडेट पहुंचाता रहूं। अभी सरकार जहां तक विश्वास कर रही है प्रमोट की बात कर रही है, लेकिन आपको आपकी तैयारी है वो जारी रखनी, हो सकता है आपकी परीक्षा करवा दी जाए।